संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच हुए शांति समझौते पर पहली प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई, और जैसा कि सभी महसूस कर भी रहे थे कि अभी तक ईरान ने कुछ क्यों नहीं बोला, तो ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक समझौते की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के इस समझौते से मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा गया है। इसके साथ ही साथ ईरान ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने को खतरनाक और शर्मनाक कदम बताया है। यही नहीं, ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को इसराइल द्वारा फारस की खाड़ी के क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण में हस्तक्षेप करने को लेकर आगाह किया है। बयान में मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार और अन्य सहयोगी सरकारों को इस कदम से होने वाले परिणाम की जिम्मेदारी भी अवश्य लेनी चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसराइल और यूएई के बीच समझौते का स्वागत किया। गुतारेस ने उम्मीद जताई है कि समझौते से इसराइल और फलस्तीन के नेता दोबारा से द्विराष्ट्रीय समाधान की दिशा में सार्थक वार्ता की तरफ बढ़ सकते हैं। यूएई और इसराइल ने गुरुवार को समझौते के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत इसराइल अपने कब्जे वाले पश्चिमी तट के बड़े हिस्सों का विलय नहीं करेगा। फलस्तीनी अपने भावी राज्य के लिए यह क्षेत्र चाहते हैं। उधर फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने इस समझौते को विश्वासघात बताया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ईरान और फलस्तीन के तरफ से प्रतिक्रिया आई। अब देखना होगा कि आगे इस समझौते पर खाड़ी के और मुस्लिम देशों की क्या प्रतिक्रिया होती। लेकिन जैसा कि राजनीतिक और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ सोच रहे थे, ठीक वैसे ही ईरान की प्रतिक्रिया आई।